जहां सरकार एक ओर हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने के दावे करती नहीं थकती है, वहीं हमीरपुर मुख्यालय के नजदीक पड़ने वाले गांव बजूरी के बाशिंदों को सड़क सुविधा से महरूम रहने पर ग्रामीणों में गहरा रोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव नजदीक होने पर चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हर बार मात्र आश्वासन ही मिलता रहा है और सड़क समस्या बनी हुई है जिसका आज तक निदान नहीं हो सका है, जिस कारण बीमारी की हालत में मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। बजूरी गांव के बाशिंदे जोगीराम ने बताया कि सड़क की हालत बहुत ही खराब है और आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रामीण चुनावों में वोट नहीं देंगे क्योंकि सारे ग्रामीण नाराज चल रहे हैं। सर, इसके बारे में हम तो हालत तो बहुत खस्ता है, लोग इसको वर्णन दे रहे हैं। हमारे तो आने जाने के लिए तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जो पखड़ा पर्सन आता है, कोई आदमी मेहमान आता है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रात को आना जाना जो है। तो वोट मांगने आएंगे नेता तो क्या कहेंगे आप? वोट तो तभी हम देंगे जब इस सड़क का हल होगा। ग्रामीण धर्मपाल सिंह ने बताया कि कई बार रास्ते के लिए पैसा भी आया लेकिन वापिस हो गया। उन्होंने बताया कि गांव के लिए सड़क की समस्या हल नहीं हो पाई और अब राजनेता गांव में आएंगे तो एक ही बात रखेंगे कि सड़क बनाएंगे तभी वोट देंगे। बुरा हाल है, पीछे भी पैसे आते हैं वापस हो जाते हैं। मैं भी प्रधान रहा, उसके बाद भी नहीं सड़क बनी, फिर पैसा और जगह और वार्ड में लगाना पड़ा, लोग सड़कें बनने नहीं देते। इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, रात को कभी मेहमान आए तो वो भी गांव में गालियां देते हैं कि यार इतने दिन प्रधान रहे, आपके इलाके का ये हाल है। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आए हम तो पूछेंगे उनको, अगर हमारी सड़क बनेगी तो हम वोट देंगे, अदरवाइज हम वोट नहीं देंगे। ग्रामीण ने बताया कि काफी सालों से सड़क की हालत खराब बनी हुई है और गांव में कोई गाड़ी तक नहीं आ पाती है। उन्होंने बताया कि सड़क समस्या से लोग बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो कुर्सी पर बिठाकर कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। वो 20 साल से यही सड़क की यही व्यवस्था है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर चलने लायक। अगर कोई बीमार हो जाता है नीचे तो कुर्सी के ऊपर लाना पड़ता है, और ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो इसके ऊपर कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवार है कि कौन है, पंचायत है, क्या है? तो अब इलेक्शन नजदीक है, क्या करेंगे? इलेक्शन नजदीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता यहाँ की जानकारी लेने के लिए, तो अब फिर वोट मांगने आएंगे आपके पास पॉलिटिशियन, तो क्या कहेंगे? तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे अब की बार, तो ये साफ सुथरी बात है कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारे लिए कोई भी सुचारू सुविधा कोई नहीं यहाँ पर। 20 साल हो गए सड़क जो रुड़की है, जिस वे पैसे आओ दे हटी जा, जिस वे पैसे आओ दे हटी जा दे, लोग कुछ बोले बुना दे बना, कहीं बोले उपड़ा दे बना। तो अब फिर से इलेक्शन आया? हाँ, फिर इलेक्शन आया, हम वोटा कुछ नहीं पानी इस वजह से। कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई रात कोई नहीं चल सकते, तुम थले जाके आए क्या रस्ते क्या स्थिति है पूरे दिख लो, तुम कोई लाइट का प्रबंध नहीं, कोई पानी ठीक नहीं आता, त्रीए दिन पानी आता, ये हैडपंप लग गया जी, जिस तरह पानी आता जनता इटा दिखाई रंगा हाई पानी निकलता हैडपंप से।